गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक पी एन जंक्शन डायोड फॉर्म कैसा होता है और जब पी एन जंक्शन डायोड हम लोग फैब्रिकेट करते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का ओके वेफर रहता है उसका जो हाफ साइड है वो हम लोग क्या करते हैं ओके okay, उसको पी टाइप डोपिंग करते हैं और जो बाकी का हाफ है ओके okay, वहां पर क्या करते हैं एन टाइप डोपिंग करते हैं यानी यहाँ पे ट्राइवलेंट

और ये प्रोसेस में हम लोग बोलते हैं अब मैं एकदम एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा हूं ये प्रोसेस में हम लोग क्या बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स पी साइड पे जंप करते हैं तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था इधर नेगेटिव आयंस फॉर्म हो जाते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स ओके एन साइड को छोड़ के जाते हैं तो ये साइड पे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आयंस फॉर्म हो जाते हैं कैसे होते हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि जब पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होता है ओके okay, यस yes, तो अपने साथ एट पीएन जंक्शन ओके वो एक डिप्लीशन लेयर भी फॉर्म करता है और ये जो डिप्लीशन लेयर है ओके okay, उसके अंदर क्या रहता है तो हम लोग बोलते हैं द डिप्लीशन लेयर ऑफ द पी साइड हैज नेगेटिव आयंस एंड द पार्ट ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ द एन साइड हैज पॉजिटिव आयंस अब ये जो आपका पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म हुआ है ऐसे पी एन जंक्शन डायोड को अगर आप फॉरवर्ड बायस कंडीशन में लगाते हैं ओके फॉरवर्ड बायस कंडीशन का मतलब क्या तो पी साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एंड एन साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी ऐसे इसमें हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लार्ज नंबर में क्या होते हैं फ्लो होते हैं टुवर्ड्स द पी साइड एंड दे कंबाइन विद द होल्स नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी से जो डिप्लीशन लेयर रहता है उसकी विर्थ क्या हो जाती है कम हो जाती है और जब डिप्लीशन लेयर की विर्थ कम होती है ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं ओके okay, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे फ्लो फ्रॉम एन एन साइड 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 टू पी पी अब जब इलेक्ट्रॉन्स से P side पे फ्लो हो रहे तो हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल करेंट हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे ओके सो बेसिकली वॉट वी आर इज अ सेन जंक्शन डायोड ओके यस इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन ऐसे इसमें द डायोड इट कंडक्ट्स है एंड इट एक्ट एज अ क्लोज स्विच ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है ये हुआ हमारा फॉरवर्ड बायस का डायग्राम ये भी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था अच्छा इसमें एक और कंडीशन हम लोगों ने सीखी है जब हम लोग बोलते हैं ये अभी टोटली अपोजिट कंडीशन है व्हेन द पी साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी ऐसे इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जो डिप्लीशन लेयर है इसका लेथ क्या हो जाता है बढ़ जाता है ओके ये सी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने ध्यान में रखना है

ओके okay, अगर मैं दिखाऊंगा कि कुछ कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है सपोज तो वो एकदम निग्लिजिबल रहेगा इट विल बी इन टर्म्स ऑफ नैनो एम्पियर और माइक्रो एम्पियर आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो ऐसी जो कंडीशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं वी कॉल इट एज रिवर्स बायस कंडीशन तो अब इसको ही कनेक्टेड फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस अच्छे से समझने के लिए ओके okay? आज हम लोग समझने वाले वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ पी एन जंक्शन डायोड ओके okay? <coughs>

मुझे यहां पे डायोड को जो वोल्टेज अप्लाई करना है वो वोल्टेज मुझे क्या करना है कम ज्यादा करना है ओके okay? यानी पहले मुझे एकदम मिनिमम रखना है और धीरे धीरे फिर बढ़ाते जाना है तो मिनिमम रखने के लिए मैं क्या करूंगा ये जो एरो है इसको मैं लोअर मोस्ट पोजिशन पे लेके आऊंगा लाइक दिस ओके ऐसे इसमें हम लोग बोलेंगे कि जो डायोड को ओके okay? या डायोड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज रहेगा वो मिनिमम रहेगा और अगर मुझे ये वोल्टेज बढ़ाना है तो ग्रेजुअली ये एरो क्या करूंगा मैं ऊपर लेके जाऊंगा ठीक है और मैक्सिमम वोल्टेज के लिए ये डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा ये आपको आ रहा है समझ में ओके बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आपको एरो है वो एरो कहां पे दिखाना है बीच में दिखाना है यानी ये इंटरमीडिएट पोजिशन है ठीक है सो बाई मूविंग दिस एरो हम लोग क्या करते हैं डायोड को जो वोल्टेज अप्लाई करने वाले हैं वो हम लोग क्या करते हैं वेरी करते हैं अब आपको ये समझना है कि अगर आप ये डायग्राम को ध्यान से देखो तो द पॉजिटिव ऑफ कनेक्टेड टू दिस पॉइंट तो हम लोग बोले जो पॉइंट है ये ये हो हो जाएगा जाएगा? तो वाला क्या अब ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे, द पी साइड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पॉइंट एंड एन साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव पॉइंट तो अभी ये जो डायोड है हमारा वो कौन से कंडीशन में बायस स्टेट ये आपको आ रहा है समझ में तो बेसिकली फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हम लोग पहले ये डायग्राम समझ लेते हैं okay? See, जैसे आपको बोला है कि द पी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड द एन साइड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव तो ये अभी बायस कंडीशन हो गया अब ये फॉर्वर्ड बान में हमें क्या सीखना है सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वी आई कैरेक्टरिस्टिक हमें ग्राफ ड्रॉ करना है वोल्टेज वर्सिज करेंट ओके वोल्टेज एक्रॉस डायोड अब वोल्टेज कैसे measure करेंगे? तो तो ये ये हमारा हमारा एक एक है है। है, और और दूसरा point B है. तो इसके में में हम लोगों ने एक connect किया ठीक से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे मेजर करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ वॉट मिली एम मीटर ओके यस और हम लोग बोलेगे जो मिली एम मीटर है ना ओके okay? इसका इफेक्ट वोल्टेज एक्रॉस डायोड पे बिल्कुल नहीं होगा ओके okay? Yes, यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो क्या रहेगा इट विल बी निकली या फिर आप मिली एम मीटर को या okay, फिर इधर भी लगा सकते ओके okay? so okay? उसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है दैट इज बींग मेजर हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर और डायोड में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे मेजर करेंगे हेल्प ऑफ दिस मिली एम मीटर ठीक है तो अब इनिशियली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वोल्टेज का वैल्यू ये हमें एकदम कम रखना है वो कम रखने के लिए ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर को हम हम लोग लोग नीचे नीचे स्लाइड स्लाइड करते हैं ओके okay? जब इसको नीचे करेंगे तो बोलेंगे मैक्सिमम जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा दैट विल बी अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस और हम लोग बोलेंगे मिनिमम वोल्टेज विल बी अप्लाइड या इट विल बी अवेलेबल फॉर द डायोड ऐसे इसमें हम लोग वोल्टेज और करंट दोनों के वैल्यूज क्या करते हैं मेजर करते हैं ओके okay, yes, और उसको नोट कर लेते हैं फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं ये पॉइंटर को ऊपर लेके जाते हैं ओके okay, इसको शिफ्ट करते हैं जैसे जैसे इसको शिफ्ट करते हैं हम लोग बोलते हैं कि जो डायोड को वोल्टेज मिल रहा है वो वोल्टेज क्या होने लगता है बढ़ने लगता है तो अप्लाइड वोल्टेज टू द डायोड वेन इट इंक्रीजेस ओके तो वोल्ट मीटर का भी रीडिंग क्या होता है ओके okay, इंक्रीज होता है और साथ में हम लोग बोलते हैं करंट का भी वैल्यू क्या होता है चेंज होता है तो ऐसे एन नंबर ऑफ रीडिंग्स ओके जब हम लोग ले लेते हैं उसको हम लोग नोट करते हैं और उसका जब ग्राफ बनाते हैं तो हमें कुछ इस तरह से ग्राफ मिलता है मैं चाहता हूं आप लोगों ने एकदम अच्छे से ध्यान देना है अभी आप पूछोगे सर ये ग्राफ क्या है तो हम लोग बोलेगे दिस इज करंट आई वर्सेस वोल्टेज वी ओके यस वोल्टेज जो है वो आपका वोल्ट में है और जो करंट है हम लोग बोलते हैं इट इज इन मिली एम्पियर फॉर फॉरवर्ड बायस कंडीशन ओके आप चाहिए तो इसको आई कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो ठीक है तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि इनिशियली जब आप पॉइंटर को स्लाइड करते जाते हो ओके okay, करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट का वैल्यू भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है लेकिन एक पॉइंट के बाद अब ये जो पॉइंट है तो वो जो पॉइंट है दैट इज वॉट वी बी विच इज जीरो वोल्ट एक बार जो अप्लाइड वोल्टेज है ओके okay, वो बैरियर पोटेंशियल का जो हम लोगों ने वोल्टेज देखा था आपको याद होगा मैंने आपको बोला था डिप्लीशन लेयर में ओके okay, इसका अगर हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं ओके okay, इसको हम लोग वीबी बोलते हैं ओके बैरियर पोटेंशियल का वोल्टेज अगर ये वोल्टेज के ऊपर वोल्टेज चला जाता है तो करंट का वैल्यू क्या हो जाता है एकदम से शूट अप हो जाता है और हम लोग क्या बोलते हैं डायोड जो है वो हैविली क्या करता है कंडक्ट करता है ओके okay? ये जो वोल्टेज पॉइंट है ओके okay, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वी कॉल इट एज ओके द बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज वेन द एप्लाइड वोल्टेज ओके यस द द द वोल्टेज इट वैल्यू ऑफ बैरियर पोटेंशियल ओके एक बार वो क्रॉस हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि जो करंट फ्लो हो रहा है डायोड में से वो भी क्या हो जाता है एकदम से बढ़ जाता है सो दिस इज दी आई कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ओके फॉर द फॉरवर्ड बायस कंडीशन ठीक है मैं ये साइड जो है इसको मैं इरेज कर देता हूं ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन के लिए ग्राफ है अब हम लोग ये भी समझेंगे कि रिवर्स बायस के लिए क्या करेंगे रिवर्स बायस के लिए आप क्या कर सकते हो आइधर जो सप्लाई है उसकी पोलैरिटी चेंज कर दो या फिर जो डायोड है उसको उल्टा कनेक्ट कर दो ओके तो फिलहाल मैं क्या करता हूं जो डायोड है उसको उल्टा कनेक्ट कर देता हूं वो हमारे लिए ज्यादा ईजी रहेगा तो ये डायोड का एन हो गया और ये अभी पी हो गया ठीक है अगर आप देखोगे नाउ पी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड एंड एन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड यानी अब डायोड क्या हो गया इट इज इन रिवर्स बायस कंडीशन अब रिवर्स बायस कंडीशन में भी सेम करना है हम लोगों ने ओके यस इनिशियली जो ये पॉइंटर है इसको एकदम नीचे लेके आएंगे पॉइंटर को अगर हम लोग एकदम नीचे लेके आ रहे हैं मैं आपको ये बार बार क्यों रिपीट करके बता रहा हूं क्योंकि ये कंसेप्ट आगे भी यूज होने वाले हैं ओके okay? ये पोटेंशियल डिवाइडर है वोल्टेज डिवाइडर ओके तो जब मैं इसको एकदम नीचे लेके आता हूं यहां पर मैं बोलूंगा जो भी अप्लाइड वोल्टेज है मैक्सिमम वोल्टेज ये रेजिस्टेंस को मिल जाता है या मैक्सिमम वोल्टेज इज यूटीलाइज ओके फॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस और बचा हुआ जो वोल्टेज रहेगा वो हम लोग बोलते हैं डायोड को मिलता है ये आपको आ रहा है समझ में ठीक है यस yes. ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि अब रिवर्स बायस कंडीशन है वोल्टेज इज मिनिमम अब हम लोग क्या करेंगे पॉइंटर को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे जैसे से, जैसे 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 आप पॉइंटर को धीरे धीरे ऊपर लेके जाते हो ओके आप रिवर्स बायस में जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो ना उसका वैल्यू बढ़ाते जाते हो लेकिन जब आप उसका वैल्यू बढ़ाते जाते हो ना ओके हम लोग ये देखते हैं कि जो करंट का वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ता ही नहीं है ओके आप पॉइंटर को ऊपर लेके ही जा रहे हो ओके देखो ये जो है आपका ये आपका अभी नेगेटिव वोल्टेज रहने वाला है क्योंकि ये रिवर्स बायस में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ऐसे इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि वोल्टेज का वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन करंट जो है हमारा ओके माइनस आई जो मैं दिखाऊंगा करंट का वैल्यू बहुत बड़ा है क्या नहीं बड़ा है ओके okay? जैसे यहां पे देखो करंट का वैल्यू एकदम से बढ़ गया लेकिन यहां पे करंट का वैल्यू बढ़ा है क्या नेगेटिव रीजन पे नहीं क्यों नहीं बढ़ रहा है ओके okay, तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो डायोड है वो कंडक्ट ही नहीं कर रहा है इट इज इन रिवर्स बायस कंडीशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट अस से कि जो डायोड को हम लोगों ने रिवर्स बायस में वोल्टेज अप्लाई किया वो मैक्सिमम कर दिया ठीक है ठीके? ऐसे इसमें हम लोग बोलते हैं आफ्टर अ सर्टन थ्रेशोल्ड वैल्यू इज रीच्ड ओके जो डायोड है वो क्या हो जाता है उसका ब्रेकडाउन वैल्यू पहुंच जाता है ब्रेकडाउन वैल्यू इन्हें क्या तो हम लोग बोलते हैं इसको वोल्टेज एक्सिस पे हम लोग VBR करके मार्क करते हैं ओके okay? तो ये पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं कि जो डायोड का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है क्योंकि आपने उसको अभी रिवर्स बायस में बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया और हम लोग बोलते हैं सडनली करंट जो है ओके okay, वो हैविली फ्लो होने लगता है ये yes. और हम लोग बोलते हैं कि ये जो रेंज है जब डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है तो इसमें हम लोग बोलते हैं जो करंट फ्लो होता है इट इज इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर ओके और नैनो एम्पियर तो यहां पर जो करंट हम लोग बताएंगे जनरली इट इज इन माइक्रो एम्पियर ओके तो ये जो है ये पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाय फॉरवर्ड बायस कंडीशन है और जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें हम लोग ऐसे बताएंगे रिवर्स बायस कंडीशन है ओके okay? तो ये आप लोगों ने क्या करना है ये अच्छे से नोट कर लेना है ओके सेम कंडीशन जो है वो हम लोग जीना डायोड में भी सीखने वाले हैं ओके यस एनी इसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपने क्या करना है मुझे प्लीज ग्रुप पे पूछना है ओके okay? ओके okay, तो जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा था वो ये सीखा था कि जो पी एन जंक्शन डायोड है ओके इट कंडक्ट्स ओनली इन यूनिडायरेक्शनल वे बोलने का मतलब क्या है इट विल कंडक्ट ओनली वेन अ पी एन जंक्शन डायोड इज यूज इन फॉरवर्ड बायस स्टेट एंड इट वोंट कंडक्ट इफ द पी एन जंक्शन डायोड इज यूज इन रिवर्स बायस स्टेट या रिवर्स बायस कंडीशन तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम लोग क्या बोलते हैं अ पी एन जंक्शन डायोड इज यूज एज अ रेक्टिफायर ओके ना वॉट एग्जैक्टली इज रेक्टिफायर तो जो भी हम लोग बोलते हैं कि जो पावर हमें अवेलेबल रहती है थ्रू इलेक्ट्रिक सप्लाई ओके वो पावर कौन से फॉर्म में रहती है एसी फॉर्म में रहती है इनफैक्ट थर्मल पावर स्टेशन में ओके या फिर हम लोग बोलते हैं जनरेटर्स जो पावर जनरेट करते हैं वो भी एसी फॉर्म में रहती है वो जो पावर थ्रू ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिट होती है ओके यस वो भी एसी फॉर्म में ही रहती है अब वो जो पावर है वो सब स्टेशन है हमारे घर पे आती है थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पैनल ओके okay, आप लोगों ने आपके घर के यहाँ पे देखा रहेगा ओके okay, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रहते हैं उनकी डीपी रहते हैं ओके डीपी यानी क्या है डिस्ट्रीब्यूशन पैनल वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से रहते हैं okay, ओके तो वहां पे भी बेसिकली होता क्या है कि जो पावर का जो वोल्टेज है ओके okay, वो स्टेप डाउन होता है फोर फोर्टी वोल्ट से टू फोर्टी वोल्ट या टू थर्टी वोल्ट पे स्टेप वो डाउन होगा और स्टेप डाउन होने के बाद आपके घर पर वो पावर अवेलेबल होती है तो मेरा बोलने का मतलब क्या है एट दी एंड जो पावर आपको मिलती है घर पर अवेलेबल रहती है उसका फॉर्म क्या रहता है ओके इट इज ऑफ ए सी फॉर्म इस तरह से फ्लक्चुएट होती है बराबर है ठीक है ये पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट ये है कि मैक्सिमम जितनी भी डिवाइसेस है जैसे टीवी हो गया कंप्यूटर हो गया ओके okay, लैपटॉप हो गया या मोबाइल फोन चार्जर हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जो अवेलेबल सप्लाई होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए डीसी यानी वो किस पे काम करता है डी पे काम करता है ओके okay? लेकिन अवेलेबल एसी है और हमें चाहिए क्या है डी है तो एसी को डीसी कन्वर्ट करने के लिए ओके okay, जो डिवाइस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वी कॉल इट एज अ रेक्टिफायर और अ डायोड रेक्टिफायर ओके और वो रेक्टिफायर समझने के लिए मैंने यहां पे एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है ओके यस और वो ब्लॉक डायग्राम जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम अ ट्रांसफॉर्मर स्टेज ओके यस तो हम लोग बोलते हैं जो अवेलेबल सप्लाई है उसका वेव फॉर्म मैंने बनाया हुआ है अब ये जो अवेलेबल सप्लाई है अगर मुझे ओके okay, उतना ही सप्लाई देना है ओके okay? तो हम लोग क्या करते हैं यहां पे एक ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे वो ट्रांसफॉर्मर में कंडीशन क्या रहेगा एन वन मज बी इक्वल टू एन टू अगर मेरे को 230 थर्टी वोल्ट का ही यहां पे अवेलेबल करके देना है तो जो प्राइमरी कॉइल्स और जो सेकेंडरी कॉइल है दोनों में नंबर ऑफ टर्न क्या दे विल बी इक्वल ये हम लोगों ने इलेक्ट्रो इंडक्शन में सीखा हुआ है ओके okay? यस yes. तो हम लोग बोलेगे कि जो वेव फॉर्म एज ए इनपुट है ऑफ द प्राइमरी कॉइल ओके okay? सेकेंडरी कॉइल पे भी हमें सेम वेव फॉर्म मिलता है एंड दिस वेव फॉर्म ओके इट इज यूज एज इनपुट टू द डायोड रेक्टिफायर ओके okay, तो जो पहला स्टेज है इसको हम लोग बोलते हैं वी कॉल इट एज ट्रांसफॉर्मर स्टेज अभी आप बोलोगे सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसफॉर्मर स्टेज का तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो डिवाइस है जो एंड पे लगाया हुआ है हम लोगों ने सपोज अगर उसको 230 थर्टी वोल्ट नहीं चाहिए ओके okay, उससे कम चाहिए तो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे विल यूज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में हम लोग बोलेंगे एन का वैल्यू एन से क्या रहेगा ज्यादा रहेगा ओके okay, तो यहां पे जो अवेलेबल सप्लाई चाहिए ओके okay, उस हिसाब से हम लोग यहां पे ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं ये आपको आ रहा है समझ में सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेज सपोज अगर मेरे को यहां पे थोड़ा ज्यादा वोल्टेज चाहिए ओके okay, तो ऐसे केस में हम लोग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करके कंडीशन रिवर्स हो जाती है नाउ एन टू बिकम्स ग्रेटर देन वॉट एन वन ये आपको आ रहा है समझ में ठीक है यस एनी तो ये हुआ आपका पहला स्टेज दैट इज ट्रांसफॉर्मर स्टेज ट्रांसफॉर्मर स्टेज में जो आउटपुट रहेगा वो भी कैसा रहेगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एसी अब एसी में अगर आप ध्यान से देखोगे ओके okay, तो दिस इज वन कंप्लीट साइकिल जीरो से मैक्सिमम मैक्सिमम से जीरो जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम एंड नेगेटिव मैक्सिमम से जीरो ये हुई आपकी वन साइकिल यहां से स्टार्ट हो रही है आपकी सेकेंड साइकिल ओके यस तो हम लोग बोल रहे हैं अभी तक क्या है एसी जो है वो एसी में ही है अब ये जो ए सी है इट इज गिवन एज इनपुट टू द डायोड रेक्टिफायर डायोड रेक्टिफायर क्या काम करेगा डायोड रेक्टिफायर सिंपली जो नेगेटिव हाफ जो है आपका ये जो नेगेटिव हाफ है इसको निकाल देगा ओके okay? तो पहला काम क्या किया उसने जो नेगेटिव हाफ है उसको एलिमिनेट कर दिया और फिर दूसरा काम क्या करेगा वो ओके नेगेटिव हाफ को पॉजिटिव हाफ में कन्वर्ट कर देगा ओके okay? तो बेसिकली ये फॉर्म ऐसा था मैं आपको ये साइड पे बता देता हूं आपका फॉर्म ऐसा था सही है डायोड रेक्टिफायर ने क्या किया नेगेटिव हाफ जो था ऑफ द साइकिल उसको एलिमिनेट कर दिया ओके okay? और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव हाफ में और यह कौन से टाइप का रेक्टिफायर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर जो आगे हम लोग देखने वाले दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर दोनों हम लोग आगे सीखने वाले बट फिलहाल ये समझ लो डायोड रेक्टिफायर का काम क्या है नेगेटिव ऑफ द साइकिल को एलिमिनेट करना है और उसको किसमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव हाफ में ये क्लियर है ओके okay? लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन में से ये जो है, जीरो से मैक्सिमम जा रहा है मैक्सिमम से जीरो वापस आ रहा है फिर वापस जीरो से मैक्सिमम जा रहा है मैक्सिमम से जीरो पे आ रहा है यानी हो क्या रहा है कि स्टिल इट इज फ्लक्चुएटिंग एक स्टेडी वैल्यू नहीं है ये आपको आ रहा है समझ में तो ये जो आउटपुट है ओके, फ्रॉम द ओके इट इज गिवन टू बॉट द फिल्टर सर्किट फिल्टर सर्किट क्या है? ये भी आगे सीखने वाले हम और filter circuits में हम क्या यूज़ करते हैं? ओके, capaci okay, या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स नाउ यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ये जो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन है उसका थोड़ा बहुत हम लोग क्या कर देते हैं? स्टडी कर लेते हैं यानी जो ये जीरो से फ्लक्चुएट हो रहा है हम लोग बोलते हैं एक सर्टन मीन लेवल पे वो फ्लक्चुएट होगा लाइक दिस ओके ये मीन लेवल की जो लाइन है ना इसको मैं थोड़ा डॉटेड बता देता हूं ओके okay? तो यहां पे थ्रू फिल्टर सर्किट मैं ये नहीं बोलूंगा एक्सैक्टली डीसी फॉर्म मिला है हमें लेकिन थोड़ा बहुत डीसी फॉर्म आ गया और फ्लक्चुएशन कम हो गया ठीक है नाउ दिस इज गिवन एज इनपुट टू वोल्टेज रेगुलेटर ओके वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या है अब लेट अस से यहां पे जो लोड को आर एम एस वोल्टेज चाहिए दैट इज ऑफ टू थर्टी वोल्ट ओके सपोज कुछ प्रॉब्लम हुआ ओके okay, और जो सप्लाई हो रहा है ओके okay, वो सप्लाई क्या हो गया बढ़ गया यानी जो हमें ओके हमारे पावर सप्लाई जो मिल रहा है उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आ गए और टू थर्टी वोल्ट के जगह पे ये फाइव हंड्रेड वोल्ट हो गया तो लॉजिकली क्या होगा हम लोग बोलेंगे विथ ऑल दिस स्टेजेस यहां पे भी जो लोड को वोल्टेज मिलेगा वो 500 हंड्रेड वोल्टेज ओके फाइव हंड्रेड वोल्ट का मिलेगा अब ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि 500 हंड्रेड वोल्ट पे शायद हमारा डिवाइस क्या हो जाए खराब हो जाए तो इसलिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या है कि जो भी पावर सप्लाई मिल रहा है अगर यहां पे मुझे 230 थर्टी वोल्ट चाहिए तो भले ही इनपुट में फाइव हंड्रेड वोल्ट हो जाए इनपुट में फाइव हंड्रेड वोल्ट हो गया हो जाए लेकिन वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा यहां पे लोड रेजिस्टेंस को या लोड को जो अवेलेबल करके देगा दैट विल बी ओनली ऑफ टू थर्टी वोल्ट ये आपको आ रहा है समझ में ठीक yes. है यस प्लस हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट इसका जो आउटपुट रहेगा वो आउटपुट कैसा रहने वाला है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डीसी तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि जो ए सी है दैट गेट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इन टू वॉट डी सी ये क्लियर हुआ है आपको मैं वापस आपको बता देता हूं ओके दिस इज द ट्रांसफॉर्मर स्टेज मैंने बताया इसका इंपॉर्टेंस क्या है तो यहां पे जो अवेलेबल वोल्टेज है वो कम चाहिए ज्यादा चाहिए ओके दैट कैन बी वेरिड यूजिंग वॉट द फर्स्ट स्टेज ट्रांसफॉर्मर ये आपको आ रहा है समझ में उसके बाद इसका जो आउटपुट रहेगा दैट विल बी गिवन एज इनपुट टू डायोड रेक्टिफायर डायोड रेक्टिफायर क्या करता है नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल को एलिमिनेट कर देता है और ये जो नेगेटिव हाफ है उसको पॉजिटिव हाफ में कन्वर्ट कर देता है ठीक है ये जो आउटपुट है दिस इज गिवन एज इनपुट टू द फिल्टर सर्किट फिल्टर सर्किट क्या करता है एकदम सिंपल है जो जीरो से फ्लक्चुएशन हो रहा है मैक्सिमम पे ओके okay, उसको क्या करता है थोड़ा सा इवन आउट कर देता है और वो फ्लक्चुएशन से भी कम हो जाते हैं, ओके, यानी क्या बोल रहे हैं नाउ वी आर रीचिंग टूवर्ड्स और ये जो डीसी है इसका लेवल कॉन्स्टेंट रहे यानी ये लेवल एकदम से बढ़ नहीं जाए ओके okay? सपोज अगर यहां पर टू वोल्ट का बिकॉज ऑफ रीजन ओके जो हमें पावर सप्लाई मिल रहा है वो एकदम से बढ़ गया 230 का 500 वोल्ट हो गया लेकिन मेरा डिवाइस खराब नहीं होना चाहिए तो डिवाइस के पहले जो स्टेज होता है दैट इज ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर वो क्या इंश्योर करेगा कि डिवाइस को टू वोल्ट ही मिले तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं दिस इज द एंटायर स्टेजेस और यू कैन से दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ओके फॉर ऑल द स्टेजेस ऑफ रेक्टिफायर सर्किट इसको क्या करना है अच्छे से नोट कर लेना है एग्जाम में ये दो या तीन मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है ठीक है ओके okay, तो रेक्टिफायर सर्किट का मैंने आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम तो बता दिया है लेकिन एग्जैक्टली रेक्टिफायर वर्क कैसे करता है वो हमें सीखना है ठीक है तो जो हमारा टाइटल है दैट इज पी एन जंक्शन डायोडाइस रेक्टिफायर इसमें दो टाइप है एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और जो दूसरा है दैट इज़ फुल वेव रेक्टिफायर ठीक है अब हम लोग क्या बोलते हैं जो आपका फर्स्ट स्टेज रहेगा दैट विल बी वॉट ट्रांसफॉर्मर स्टेज ओके यस तो जो भी अवेलेबल एसी वोल्टेज है ठीक है वो हम लोग जो प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर है उसको दे रहे ओके लेटेस्ट से ये है 230 थर्टी वोल्ट फिफ्टी हर्ट एसी सप्लाई ठीक है और ये जो एसी सप्लाई है उसको मैं यहां पे दिखा देता हूं लाइक like दिस बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये। ये हुआ आपका एसी सप्लाई ठीक है नाउ थ्रू द ट्रांसफॉर्मर स्टेज हम लोग क्या बोलेंगे कि जो यहां पे ओके थ्रू ट्रांसफॉर्मर जो यहां पे वोल्टेज इंड्यूस होगा ओके okay, वो वोल्टेज कैसा इंड्यूस होने वाला है अगर मैं बोल रहा हूं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर रहेगा ओके okay, तो वो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम रहेगा ओके okay, और अगर स्टेप अप रहेगा तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा मैं बोल रहा हूं यहां पे नंबर ऑफ कॉइल्स कम बनाया मैंने या सॉरी नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल इज वॉट लेस एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ टर्नस ओके इन द प्राइमरी कॉइल बोलने का मतलब यह है कि एन वन इज ग्रेटर देन एन टू ओके तो लेटर से मुझे जो वेम मिलेगा ए सी वे फॉर्म ओके तो मैं वोल्टेज वर्सेज टाइम का ग्राफ बता रहा हूं तो उसका थोड़ा सा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा लाइक दिस ओके तो जो एम्पलीट्यूड ज्यादा था वो मैंने अभी क्या कर दिया यहां पर कम दिखा दिए यह आपको आ रहा है समझ में ठीक है अब यह जो अवेलेबल वोल्टेज है यहां पर ओके यस ऑफ द सेकेंडरी कॉल ये वोल्टेज हम लोग किसको अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली डायोड को अप्लाई कर रहे हैं से जो डायोड है इसको मैंने बोल दिया डी वन ओके सिंपली आप इसको डी भी बोल सकते अब देखो क्या होता है ओके okay? जब यहां पे पॉजिटिव हाफ रहता है सी दिस इज फर्स्ट जो हाफ है वो क्या है पॉजिटिव है पॉजिटिव इसका मतलब क्या तो ये जो पॉइंट रहेगा दिस विल बी प्लस एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट माइनस ओके लेट अस से दिस इज एंड दिस इज बी ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल ओके विच इज पॉजिटिव हाफ ए पॉजिटिव रहेगा बी क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा अगर ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कॉल में भी जो वोल्टेज इंड्यूस होगा ओके उसमें हम लोग बोलेंगे ये पॉइंट पॉजिटिव रहेगा और ये पॉइंट क्या रहेगा नेगेटिव ओके लेट अस से दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई ओके तो आपका एक्स पॉजिटिव है एंड वाई नेगेटिव है अब डायोड का अगर आप देखोगे डायोड का जो पी साइड है पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव और जो एन साइड है नेक्टेड टू ओके नेगेटिव यानी पॉइंट वाई को कनेक्टेड तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेगे जो डायोड है वो फॉर्वर्ड बाड बायस है तो वो क्या करेगा इट विल अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट बराबर है ओके okay. और अगर वो करंट अलाउ कर रहा है ओके okay, तो हम लोग बोलेगे जो फाइनल वोल्टेज एक्रॉस द लोड आपको मिलने वाला है उसको हम लोग बोलेगे वी आउटपुट ओके okay? और वो आप यहां पे मेजर कर सकते हो विद हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर ठीक है तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो मैं इसके ही नीचे दिखा देता हूं लाइक दिस आई होप आपको दिख रहा है ठीक है सो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल ओके ए इज पॉजिटिव बी इज नेगेटिव ओके तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पे जो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज है वो भी क्या रहेगा इट विल एक्ट सिमिलर तो हम लोग बोलेंगे एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है नेगेटिव है तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे यस yes, कि ये पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल में ओके okay, जो डायोड रहेगा वो फॉरवर्ड बायस रहेगा ओके एंड हम लोग बोलेगे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमें वो आपको इस तरह से मिलेगा लाइक दिस बिकॉज डायोड इज कंडक्टिंग हालांकि हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो करंट भी फ्लो होने वाला है थ्रू डायोड यह भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा ओके okay, वो फ्लक्चुएशन वो रहने दो लेकिन डायोड क्या करने वाला है कंडक्ट करने वाला है ये आपको आ रहा है समझ में ओके okay. तो जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसका भी नेचर कैसा रहने वाला है एसी रहेगा मैंने क्या बोला हम हम लोग लोग सिर्फ रेक्टिफायर समझ रहे अब इसको फिल्टर सर्किट में भी देगा आगे वो बात की बात है पहले ये आपको आया समझ में ये पॉजिटिव हाफ है यहां पर भी पॉजिटिव हाफ है यहां पर भी क्या है पॉजिटिव हाफ ये क्लियर है ठीक है अब हम लोग क्या बोलते हैं लेट इस टॉक अबाउट दिस नेगेटिव हाफ जब

करंट ही फ्लो नहीं होगा क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो इसमें से कोई करंट फ्लो होगा क्या नहीं तो हम लोग अवेलेबल वोल्टेज वोल्टेज जो रहेगा आउटपुट ये आपका वी आउटपुट है ओके ओके यस ये क्या रहने वाला है इट इज गोइंग टू बी जीरो तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल ओके डायोड ने कंडक्ट किया सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में कंडक्ट नहीं किया इसलिए आउटपुट वोल्टेज क्या रहा इट स्टेड एज जीरो अब हम लोग क्या बोलेगे <coughs> खत्म होने के बाद वापस नई साइकिल चालू होगी नई साइकिल जब चालू होगी तो यह पॉजिटिव हो जाएगा यह नेगेटिव हो जाएगा, जाएगा, जाएगा। हालांकि जो वोल्टेज का वैल्यू उस पर फ्लक्चुएट होगा लेकिन वो कंडक्ट करेगा और हमें वापस आउटपुट वोल्टेज का वे फॉर्म कैसे मिलेगा लाइक दिस ठीक है अब नेक्स्ट क्या रहने वाला है ये पॉजिटिव हाफ के बाद आपका आएगा नेगेटिव हाफ तो ये जो नेगेटिव हाफ रहने वाला है उसमें अगेन डायोड विल बी इन रिवर्स बायस कंडीशन एंड इट कंडक्ट ओके तो ये जो आपका वेवफॉर्म फॉर्म रहेगा इस तरह से ओके okay? ये प्रोसेस चलते रहेगा और आप यहां पे देखोगे कि जो भी नेगेटिव हाफ जो है वो क्या हो जाती है एलिमिनेट हो जाती है okay? ओके तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग बोलते हैं एक नुकसान हो जाता है हमारा जो नेगेटिव हाफ ऑफ साइकिल है उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते सिर्फ पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल को ही यूटिलाइज कर पाते और जो आउटपुट रहेगा हमारा आउटपुट में हम लोग क्या बोलेंगे करंट जीरो से मैक्सिमम गया मैक्सिमम से जीरो गया फिर जीरो थोड़े टाइम के लिए रहा वो फिर वापस जीरो से मैक्सिमम मैक्सिमम से जीरो ओके और ये प्रोसेस चलते रहा और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं वी कॉल इट एज हाफ वेव रेक्टिफायर ये आपको आ रहा है समझ में ठीक है तो आई होप आप लोगों को हाफ वेव रेक्टिफायर अच्छे से समझाएं ठीक है थीके? अब अगर मैं ओके फुल वेव रेक्टिफायर समझना चाहता हूं ओके okay, तो एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट जो हाफ वेव रेक्टिफायर का है वो यहां पे भी एप्लीकेबल है बोलने का मतलब क्या है कि जो अवेलेबल वोल्टेज है वो आपका क्या है इट इज 230 थर्टी वोल्ट लेटेस्ट से एक एग्जाम्पल ले रहा हूं फिफ्टी हर्ट्स ए सी सप्लाई ठीक है तो इसका जो ए सी वेव फॉर्म रहेगा वो आप कैसे दिखाओगे तो एकदम बेसिकली आप उसको इस तरह से दिखाओगे बराबर तो ये आपका अवेलेबल एसी वेवफॉर्म फॉर्म है ठीक है अब हम लोग क्या बोलेंगे लेटेस्ट से ये जो पॉइंट्स है ये एक पॉइंट को मैंने बोल दिया ए एंड दिस इज बी ठीक है यस अब ये हमारी प्राइमरी कॉइल है ऑफ द ट्रांसफॉर्मर स्टेज और ये सेकेंडरी ठीक है? थीके? तो यहां से जो भी हम लोग इंड्यूस होगा इन द सेकेंडरी यस अब अगर आप ये सेकेंडरी कॉइल के सर्किट को ध्यान से देखें ओके तो एक्स को हम लोगों ने क्या किया हुआ डायोडी वन के पी के साथ कनेक्ट किया हुआ ठीक है थीके? और जो डायोडी वन का नेगेटिव है यानी जो एन साइड है ओके okay, वो हम लोग क्या कर रहे हैं वी आर कनेक्टिंग इट ओके थ्रू यहां पे हम लोगों ने एक बाईपास हुआ है लेट अस से वो जो बाईपास है उसको मैं बोल देता हूं पी ओके सो यह हुआ आपका पॉइंट एक्स एंड वाई ओके ये हुआ आपका पी लेट अस से ये पॉइंट को मैं बोल देता हूं क्यू ये पॉइंट को मैं बोल देता हूं आर आर से फिर मैं बोल रहा हूं ओके okay? ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं बोल देता हूं एस दिस वन ओके आर से जो भी ये वायर जा रही है उसका डायरेक्टली ये पॉइंट में बोल दूंगा आपको बस ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने डी टू किस तरह से कनेक्ट किया D1 okay? अभी ये दो कनेक्शन है यहां पे देखो एन साइड ऑफ डी वन इज कनेक्टेड टू एन साइड ऑफ डी टू ये आपको आ रहा है समझ में लेकिन इसका दूसरा वाला कनेक्शन हमें देखना है एन साइड ऑफ डी वन कनेक्टेड टू अस पॉइंट पी पी से क्यू क्यू से हम लोग क्या बोल रहे हैं क्यू एंड आर के बीच में क्या है लोड आ रहे यहां पर हम लोग क्या करेंगे थ्रू क्यू okay. yes. तो, हम लोग बोल रहे आर एंड आर से कहा बोलोगे okay. आप, बोलो सर, आप ये इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा ओके okay. <coughs> अगर मैं डायव डी टू की बात करूं तो D2 का जो P है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू वॉट पॉइंट Y और D2 का जो N है ओके okay, तो आप ऐसे बोल सकते हो D2 का N इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द N साइड ऑफ D1 ये कनेक्शन हो गया एंड D2 का जो N है इट इज कनेक्टेड टू P P से Q थ्रू Q हम लोग बोल रहे हैं ओके okay, R एंड R से लेके अगेन इसका भी जो N है इस, इसका भी जो N है ओके इट इज कनेक्टेड टू वॉट S. वापस मैं बता रहा हूं इसका जो एन है इट इज कनेक्टेड टू पॉइंट बी पी से क्यू क्यू से आर आर से इट इज कनेक्टेड टू पॉइंट एस ये बेसिक कनेक्शन आया आपको समझ में ठीक है अब हम लोग क्या बोलते हैं लेटेस से कि जो आपका इनपुट साइकिल है उसका फर्स्ट पॉजिटिव हाफ ले लेते हैं जब उसका फर्स्ट पॉजिटिव हाफ लेके तो हम लोग बोलेंगे आपका जो पॉइंट ए रहेगा से ये प्लस है ये माइनस है तो आपका पॉइंट ए भी क्या हो गया प्लस ये हो गया माइनस ये अगर पॉइंट ए प्लस है ये माइनस है तो आपका एक्स भी क्या हो जाएगा इट विल बिकम पॉजिटिव और जो वाई रहेगा इट विल बिकम नेगेटिव ये ध्यान में रखना है ओके okay? यस yes. फिर आप पूछोगे सर ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट एस है उसका क्या तो इंटरमीडिएट पॉइंट एस है ना ओके okay? ये बहुत ही एक अलग तरीके से एक्ट करता है सिंस ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉजिटिव और एक्सट्रीम नेगेटिव के बीच में आता है हम लोग बोलते हैं इट इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई बट इट इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो पॉइंट एस जो है मैं बोलूंगा इट इज नेगेटिव ओके विद रिस्पेक्ट टू वॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बट इट इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ओके यस तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो यह ज्यादा पॉजिटिव है और यह कम पॉजिटिव है तो so ओवरऑल क्या है इट इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा भी बोल सकते हो ओके एनी वे तो अगर मैं ऐसा कंसिडर करता हूं तो मैंने आपको क्या बोला है कि जो डायोड वन है वो कैसे एक्ट करेगा देखो डायोड वन का जो पी साइड है और एन साइड है पी इज कनेक्टेड टू एक्स और जो एन है देखो ध्यान से देखना है एन थ्रू पॉइंट पी क्यू आर इट इज कनेक्टेड टू एस दिस पॉइंट एस इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी हम लोग बोलते हैं पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव तो हम लोग बोलेंगे बोलेगे डायोडीवन जो है वो कौन से कंडीशन में है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ओके okay? तो ऐसे इसमें हम लोग बोलेंगे कि पहले तो ये बोल देता हूं कि आपका ये अवेलेबल क्या है इनपुट है ये इनपुट हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे एक ई इंड्यूस करेगा सेकेंडरी कॉइल में उसका भी नेचर क्या रहेगा सेम रहेगा जैसे मैंने आपको यहां पे बताया हुआ है बट वी आर रेज्यूमिंग इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर तो हम लोग बोलेंगे कि उसकी जो पीक रहेगी वो रिड्यूस हो जाएगी उसको मैं थोड़ा छोटा बना देता हूं लाइक दिस ओके ओके यस अब डायोड डायोडी वन ओके हम लोग क्या बोलने वाले हैं ड्यूरिंग दिस फर्स्ट हाफ पॉजिटिव साइकिल ओके जो हमारा डायोडी वन है मैंने अभी डिस्कस किया वो कौन से इसमें आ रहा है फॉरवर्ड बायस स्टेट में आ रहा है अगर वो फॉरवर्ड बायस स्टेट में आ रहा है तो वो क्या करेगा कंडक्ट करेगा

डायट डी टू की अगर मैं बात करूं ना ओके तो जब ये पॉजिटिव है तो हम लोग बोलेंगे एक्स इज पॉजिटिव वाई इज नेटिव ओके पॉइंट एस इज नेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओके बट पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई या ना अगर y के हिसाब से देखो तो ये पॉजिटिव है ये आपको आ रहा है समझ में ओके तो डायोड d2 के लिए क्या होने वाला है बहुत सिंपल है डायोड d2 के लिए ओके डायोड का डी टू का जो पी साइड है इट इज कनेक्टेड टू वाई और जो एन साइड है देखो एन साइड थ्रू पॉइंट पी क्यू आर इट इज कनेक्टेड टू एस पी साइड इज कनेक्टेड टू वाई विच इज नेगेटिव ओके एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू एस विच इज कंपेरेटिवली या रिलेटिवली पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू वॉट वाई तो ऐसे इसमें हम लोग क्या बोलेंगे डाय टू का पीस कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड एन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ओके अगर एन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ओके तो हम लोग बोलेंगे कि ये कौन से इसमें रिवर्स बायस स्टेट में बायो डी टू कंडक्ट करेगा क्या नहीं और जब डायोड कंडक्ट नहीं करता है तो वो कैसा रहने वाला है इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल अब हम लोग सेकंड हाफ की बात करेंगे ओके फर्स्ट हाफ डी वन कंडक्ट कर रहा है जो हमारा डी टू है वो कंडक्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ओके okay?

सेकेंड हाफ की बात करते हैं सेकेंड हाफ में हम लोग बोलेंगे ये आपका नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी आपका पॉइंट ए भी नेगेटिव हो गया पॉइंट बी पॉजिटिव हो गया <coughs> अब अगर आपका पॉइंट ए नेगेटिव हो गया तो पॉइंट एक्स भी क्या हो जाएगा नेगेटिव पॉइंट वाई हो जाएगा आपका पॉजिटिव ये आपको आ रहा है समझ में ओके अभी पॉइंट एक्स आपका हो गया एक्सट्रीम नेगेटिव पॉइंट वाई हो गया ओके okay. एक्सट्रीम पॉजिटिव तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा पॉइंट एस ओके इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बट नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई मैंने आपको क्या बोला था पॉइंट एस जो इंटरमीडिएट है तो अगर ये एक्सट्रीम पॉजिटिव है मैं बोलूंगा पॉइंट एस विल बी नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई बट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये क्लियर है ऐसे केस में मैं बोलूंगा डायोडी वन जो है

एस क्या बोल रहे हैं हम लोग एस इज नाउ पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका मतलब डायोट का जो पी है इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव साइड और जो एन है इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऐसे इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं आपका डायोट जो रहेगा डी वन इट इज गोइंग टू बी रिवर्स बायस रिवर्स बायस में डायोट कंडक्ट नहीं करता है तो सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में यह डायोट कंडक्ट नहीं कर रहा है इसलिए मैंने उसको ओके okay, यहां पर ऐसा दिखा दिया है जीरो वोल्टेज है आउटपुट का अब बात करते डायो डी टू की ओके डी टू को अगर आप ध्यान से देखोगे नाउ पी साइड ऑफ डी टू इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव वाई एंड एन साइड थ्रू पॉइंट पी क्यू आर एस इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव अभी आप बोलोगे सर एस तो आपने पॉजिटिव बोला था बट इट वॉज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बट इट इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू वॉट वाई एस जो है ना वो इंटरमीडिएट है जब वाई की बारी आएगी तो वाई के हिसाब से वो नेगेटिव है

फिर यहां से टू तु, टूवर्ड्स पॉइंट पी फिर पॉइंट से क्यू एंड अगेन आपका करंट कैसा फ्लो हो रहा है क्यू से आर यानी वापस आपका करंट क्यू से आर फ्लो हो रहा है तो आपका लोड रेजिस्टेंस तो ऐप ही रहेगा पहले भी लोड में करंट कैसा हो रहा था फ्लो क्यू से आर हो रहा था सेकेंड इसमें भी अभी इट इज फ्लोइंग फ्रॉम क्यू टू आर नेगेटिव हाफ में उल्टा नहीं हो रहा है कि आर से क्यू फ्लो हो रहा है ओके सो विथ दिस कॉम्बिनेशन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सेकेंड हाफ में डायोड डी टू कंडक्ट करेगा ओके okay? यस yes. फिर आपका नेक्स्ट साइकिल चालू होगा यहां से यहां पे वापस क्या आ रहा है पॉजिटिव हाफ आ रहा है तो आपका डायोड डी वन कंडक्ट करेगा डायोड डी टू कंडक्ट नहीं करेगा ओके okay? उसके बाद जो नेक्स्ट नेगेटिव हाफ रहेगा उसमें डायोड डी वन वापस कंडक्ट नहीं करेगा लेकिन जो डी टू है वो कंडक्ट करेगा तो ओवरऑल अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन का वेव फॉर्म ओके तो वह मैं साइड में बना देता हूं फुल वेव रेक्टिफायर का जो मुझे फाइनल आउटपुट मिलेगा फॉर एवरी हाफ ऑफ दिस साइकिल ओके हम लोग बोल रहे हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है थ्रू लोड रेजिस्टेंस वो पॉइंट क्यू से पॉइंट आर में ही फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पॉइंट आर इसलिए हम लोग बोलेगे कि इन दोनों को अगर मैंने कंबाइन कर दिया ओके okay, तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा Like this, like this, like this and like this. यानी जितने भी negative half थे वो positive half में convert हो गए बस यहां pe मैं एक चीज dikhaunga ye जो half है ये किसका contribution है D1 ka का Okay? यहां पे D2 क्या था D2 टू कंडक्ट नहीं कर रहा था ये जो पॉजिटिव हाफ है वो किसके वजह से इट इज बिकॉज ऑफ D2. टू अगेन ये जो है ल्टरनेटली ये अगेन डी वन का है और ये कॉन्ट्रीब्यूशन डी टू का है तो यह भी आपको आया समझ में इस तरह से फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है ऑपरेट करता है ओके okay? तो उसने आपका जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जो था उसको पॉजिटिव 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 में कन्वर्ट कर दिया अब इसमें एक बात होती है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक साइकिल किसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मली ए सी में एक साइकिल ये रहती है दिस वन ये है ना ये आपकी वन साइकिल होगी लेकिन यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि जो रिपीटेटिव चीज होती है उसको साइकिल बोलते हैं तो जीरो से मैक्सिमम मैक्सिमम से जीरो जीरो से मैक्सिमम मैक्सिमम से जीरो जीरो से मैक्सिमम मैक्सिमम से जीरो यानी ये, ये जो हर एक पॉजिटिव हाफ है ना वो अपने आप में एक साइकिल हो गई ये रिपीट हो रहा है ना तो ये जो एक हाफ है उसको ही हम लोग लो वन साइकिल बोलेंगे फॉर फुल वेव रेक्टिफायर तो फुल वेव रेक्टिफायर में दिस इज वन साइकिल दिस इज अनदर साइकिल सेकेंड साइकिल हो गई ये थर्ड साइकिल हो गई और ये फोर्थ साइकिल हो गई यहां पे हम लोग बोलेंगे ये टोटल क्या हो गई वन साइकिल ये टोटल क्या हो गई टू साइकिल ओके यस तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जब एसी में ओके okay, दो साइकिल होती है तो यहां पे कितने हो जाते हैं चार साइकिल हो जाते हैं यानी आपका यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गया एक तरह से डबल हो गया ठीक है हाफ रेक्टिफायर की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा दिस इज वन साइकिल जीरो से मैक्सिमम मैक्सिमम से जीरो फिर थोड़ा कांस्टेंट दिस इज वन साइकिल दिस इज टू साइकिल दिस इज ये जो है ना ये एक बल्क बल्क या फिर मैं ऐसा बोलूंगा क्रेस्ट ओके क्रेस्ट और ये जो स्ट्रेट लाइन है यानी ये इस तरह से जो फॉर्म हो रहा है ना इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूं लाइक like दिस ये हुआ आपका वन साइकिल ओके तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में नंबर ऑफ साइकिल्स उतने ही रहते हैं यानी जब इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ इसका भी एक साइकिल हुआ इसका सेकेंड साइकिल हुआ इसका भी सेकेंड साइकिल हुआ लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में नंबर ऑफ साइकिल्स क्या हो जाते हैं डबल हो जाते हैं ठीक है यस मैं चाहता हूं आप लोगों ने आपके टेक्स्ट बुक्स ओपन करने प्लीज गो ऑन पेज नंबर 346 ओके okay? वहां पे एडवांटेजेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर देखना है पहला एडवांटेजेस रेक्टिफिकेशन टेक्स प्लेस इन बोथ द साइकल्स ऑफ द एसी इनपुट ओके यानी पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी ओके okay? और हाँ एक इसमें डायोड डी वन कंडक्ट करेगा नेगेटिव हाफ में डी टू कंडक्ट करेगा ओके okay, लेकिन जो लोड में से करंट फ्लो होता है उसका डायरेक्शन क्या रहता है कांस्टेंट रहता है ओके द एफिशिएंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज हायर देन दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर द रिपल इन फुल वेव रेक्टिफायर इज लेस एज कंपेयर टू दैट इन हाफ वेव रेक्टिफायर अब ये क्या है तो जब हम लोग फिल्टर सर्किट्स और रिपल फैक्टर देखेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा ठीक है yes. यस अब इसमें ओके okay, ये एग्जाम्पल सिक्सटीन देखना है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट वोल्टेज फिफ्टी हर्ट्स इज एप्लाइड टू हाफ वेव रेक्टीफायर ओके एंड अ फुल रेक्टीफायर वॉट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी तो जैसे मैंने बोला है कि अगर यहां पर जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी वो फिफ्टी हर्ट्स की है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फ्रीक्वेंसी उतनी रहेगी ओके लेकिन फुलवेव रेक्टीफायर के लिए क्या हो जाती है वो डबल हो जाती है तो वही आपको यहां पर दिया हुआ है सोल्यूशन देखो पेज नंबर थ्री फोर्टी सिक्स पे द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज फिफ्टी हर्ट्स फॉर हाफ वेव रेक्टीफायर बिकॉज फॉर वन एसी इनपुट पलसेटिंग वी गेट वन साइकिल ऑफ डीसी ओके द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज हंड्रेड आउट्स यानी फुल वेव रेक्टीफायर के लिए वो डबल हो जाती है बिकॉज फॉर वन इनपुट एसी साइकिल वी गेट टू साइकिल्स ऑफ पलसेटिंग डीसी अभी आप बोलोगे पलसेटिंग डीसी यानी क्या तो इसको आगे हम लोग किसमें कन्वर्ट करने वाले डीसी में कन्वर्ट करने वाले आई होप आपको ये समझ में आ रहा है ओके okay? यस yes. तो इसको अच्छे से नोट कर लेना है इसमें अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे ग्रुप पे पूछना है ओके okay? आज का जो है लेक्चर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं ओके okay?